हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं टेक्निकल वीडियो। मेरा चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। मैं आज आपके लिए कुछ खास ऑफ़र लाया हूँ जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा एक तोहफा लाया हूँ आपके लिए कि शायद आपको अच्छा लगे, आई होप सो। तो मैं चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। मेरा हर रोज़ का एक रूल्स है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन एक दिया होगा उस पर प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन जितना भी है आपको मिलता रहे। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कॉमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपके लिए आज लाया हूँ MI LED स्मार्ट टीवी 4A के साथ जो लाया हूँ, डिस्प्ले 32 इंची का साथ आपको लाया हूँ, जो कि हर किसी को एक सपना होता है, यार मुझे भी एक LED टीवी चाहिए। तो उसका बजट के वजह से ले नहीं पाता है क्योंकि बजट इसका LED टीवी का बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, जैसे कि मिडिल क्लास लोग ज़्यादा ले नहीं पाता है। सपना बहुत बड़ा रहता है लेकिन ले नहीं पाता है। तो इसके लिए मैं लाया हूँ, कम से कम बहुत ही सस्ता दाम में आपको लाया हूँ, आपको मिल जाने वाला है MI का जो LED टीवी 32 इंची 43 इंच का आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया इसका टीवी है, ये फुल ब्राइटनेस LED टीवी के साथ आपको आता है। तो इसका पूरा फ्यूचर की बात करें तो दोस्तों, फ्यूचर इसका रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 1366x768 में आपको इसका रेजोल्यूशन मिल जाता है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा आपको। व्यूविंग की बात करें तो व्यूविंग एंगल इसका मिल जाएगा दोस्तों 17.8 डिग्री इसका व्यूविंग आपको मिल जाता है दोस्तों, बहुत ही जो इसका बेटर होता है। और इस रिफ्रेश की रेट बात करें तो दोस्तों 60Hz आपको रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। और रिस्पांस टाइम का बात करें तो दोस्तों 6.5 ms टाइप आपको रिस्पांस टाइप मिल जाएगा। और पावरफुल की बात करें तो पावरफुल स्पीकर की बात करें तो दोस्तों पावरफुल इसका बहुत ही ज़्यादा स्पीकर है, पावरफुल स्पीकर और जो पावरफुल ऑडियो डिकोडर आपको मिल जाएगा। 10V x 20V आपका पावरफुल जो स्पीकर आपको मिल जाता है। मल्टीपल पोर्ट्स का बात करें तो दोस्तों मल्टीपल पोर्ट्स आपको मिलेगा, USB 2.0 आपका मल्टीपल पोर्ट्स मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है। HDMI 3 का बात करें तो दोस्तों वन कंटेंट ARC आपका सपोर्ट मिल जाएगा। HDMI की बात करें तो AB आपको वन मिलेगा। उसके बाद ईथरनेट आपको वन मिल जाता है, एयरफोन आपको वन मिल जाएगा, वाईफाई 2.4G 8Z आपको 802.11b g n आपको मिल जाता है सपोर्ट। और इसका दोस्तों डिमेंशन की बात करें तो दोस्तों डिमेंशन आपको मिल जाने वाला है वाइट नॉट इंक्लूडिंग बेस 3.9 kg आपको बेस इंक्लूडिंग मिल जाने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस में आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, जो कि आपका हॉट नहीं होने वाला है। वेट इंक्लूडिंग बेस की बात करें तो दोस्तों 3.94 kg आपका बेस इंक्लूडिंग मिल जाएगा, जो कि ज़्यादा वेट भी नहीं है दोस्तों, आप कहीं भी उठा के इसको हाथ से उठा के ले जा सकते हैं। और इसका बेस की बात करें तो बेस वाइड इसका 180 mm आपको बेस वाइड मिल जाएगा, लेंथ 733 mm का इसका लेंथ है जो। और हाइट की बात करें तो दोस्तों हाइट है इसका 435 mm का हाइट है। तो बहुत ही बढ़िया इसका जो पूरा फ्यूचर का जो टीवी का जो लेंथ और हाइट है बहुत ही अच्छा है, आप कहीं भी उठा के इसको ले सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका हाइट इंक्लूडिंग बेस की बात करें तो दोस्तों इसका 478 mm का हाइट इंक्लूडिंग आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन। आप करते हैं वीडियो डिकोडर की बात, तो वीडियो डिकोडर आपको मिलेगा MPEG-124 Real H264 में आपको मिल जाएगा, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिलाने में अच्छा खासा आपको टीवी देखने को मिल जाता है। और ऑडियो डिकोडर की बात करें तो स्टीरियो डीटीएस इसका इंजन जो है, जो कि आपको बजाज में जैसे मिलता है DTS-i का इंजन, तो इसमें DTS-S का इंजन मिलता है, जाकि परफॉर्मेंस आपको अच्छा देने वाला है। ज़्यादा इसमें जो आपको गर्म नहीं होने वाला एयर कूल कंडीशन भी आपको मिल जाता है। और 64-bit क्वाड कोर मिल जाएगा आपको, जो कि आपका फैसिलिटीज़ में आपको मिलता है, जैसे भी आपको मोबाइल पे मिल जाता है। तो ये भी एक स्मार्ट टीवी है, इसमें आप इंटरनेट जरिए कुछ भी काम कर सकते हैं, जो कि मिल जाता है आपको बहुत ही क्वालिटी का सपोर्ट। तो CPU का बात करें तो दोस्तों CPU का इसका जो है एमोलॉजिक कॉन्टेक्स A53 क्वाडकोर अप टू 1.5 GHz आपको मिल जाएगा। और GPU का बात करें तो दोस्तों GPU उसका मिलने वाला है मेली 450 MP3 अप टू
750M H-Jet आपको मिल जाएगा देखने को, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस आपको देने में काम करेगा। 1GB प्लस 8GB रैम, 1+1GB का साथ आपको DDR का साथ मिल जाता है। पावर सप्लाई की बात करते हो तो पावर है वोल्टेज 100 बाय 240 वोल्टेज का आपको साथ मिल जाएगा। और 50 बाय 68Z का साथ आपको देखने को मिल जाएगा परफॉर्मेंस आपको। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट टेम्परेचर का साथ आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा आपको दिलाने में ठीक रहे हो। 156 रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% आपको मिलेगा। अल्ट्रा ब्राइट LED डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, जो कि अच्छा खासा पिक्चर जो देखने में बहुत ही अच्छा दिखने वाला है आपको। और इसका पावरफुल पावर का बात करें तो 20 वोल्ट स्टोरियो स्पीकर आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा स्पीकर है आपको। साउंड क्वालिटी बेस क्वालिटी बहुत अच्छा आ जाएगा आपको। और 7100 आवर्स ऑफ कंटेंट ऑफ पेच वॉल आपको मिल जाएगा। वन रिमोट कंट्रोल, 1 TV सेट टॉप बॉक्स एंड मोर मच आपको बहुत ही कुछ देखने को मिल जाता है। तो अगर वीडियो का आपको दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर वीडियो का अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ इस तरह से वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।